सिनेमा, हम भी जैसे बचपन में सिनेमा जाया करते थे, एक दौर था, अब वो नहीं रहा उस तरह का दौर। आप बचपन में जाते थे छुपके फिल्म? या बहुत दफा मूवी, माय टीचर माय बेस्ट फ्रेंड, मूवी मेरा उस्ताद है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मूवी मैं शौक है देखने का, क्योंकि साड़ी कंट्री इंस्टीट्यूट तो कोई है कोई नहीं, तो मूवी के जरिए ड्रामे के जरिए ऐसी कई चीजें ने जिहड़ियां ऐसी यूनिवर्सिटी साड़ी बेसिकली जो अडॉप्ट की थी उन्होंने। कई लोग मैं जिम कैरी कहते हैं, कई लोग मैं मिस्टर बीन कहते हैं, ठीक है ना, तो कई लोग मैं मतलब जो सा प्यार कर ले मैं कहते मतलब चिट्टे रंग च मतलब जरीफ साहब उत्थे जो दोस्त यार प्यार करते हैं, तो इसी ना अपने सीनियर्स को अपने लेजेंड्स को ये चीज़ अडॉप्ट की। खास किरदार कौन सा जिससे आप इम्प्रेस? मतलब मेरी लाइफ में आपकी, आपकी आपकी एज अ सेलिब्रिटी होने में, आपकी एक्टिंग के अंदर आपको वो कौन सा किरदार है जो लगता है जो यार ये कमाल आ? वो तो अभी तक करवाया ही नहीं किसी ने, ना ही किया है अभी तो, किया ही नहीं। और जिसने किया है वो कौन है, वो कौन लगता है जिसको आप फॉलो करते हो जो लगता हो कि यार ये किरदार जो है ना ये मेरा पसंद है? थिएटर के वाले से मस्ताना साहब मतलब अमान साहब भी, बब्बू बराल साहब सारे, लेकिन चूंकि मैं मसाना साहब के साथ ज्यादा फिरा उनको स्ट्रगल की है, मतलब मैं उनको जो दबाया भी है या मतलब उनको मतलब खाना भी खिलवाया है, कभी सो रहे हैं ऊपर चादर भी दी है, कि सीनियर मेरा थोड़ा सा मसाना साहब के साथ टाइम गुजरा है, तो मसाना साहब की बहुत सी चीजें मैंने अडॉप्ट की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ताना साहब की मैंने जो चीज़ अडॉप्ट की है वो सबसे पहले ये है कि वो जब उनसे कुछ बंदा कोई फकीर या कोई चीज़ मांगता था ना तो वो ऐसे जेब में हाथ डालते थे तो वो देखते नहीं थे वो कितने हैं। क्या बात, बिल्कुल ऐसे मस्ताना साहब, क्या बात, ऐसे देखते नहीं थे, गिनते नहीं थे, ऐसे मैं गाड़ी में पीछे बैठा होता था उनकी पानी की बोतल पकड़ के, उनके पान पकड़ के, ठीक है ना, तो मैंने देखा था वो ऐसे कमीज पहनी होती थी, पान मुंह में होता था, ऐसे गाड़ी निकली है थिएटर से तो कोई बंदे खड़े तो ऐसे हाथ मार के ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, मैं गवाह हूं इस बात का। क्या बात, मैं गाड़ी में पीछे बैठा था। तो हमने बड़ी सी बहुत सी चीजें मस्ताना साहब की अडॉप्ट की है।